नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर आकृति खड़ी है। आकृति नमस्ते करो। ये हमारी बिटिया है आकृति, इसी के लिए मैं पहन लाई हूँ। और ये पहने भी है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, दिखा रही है। तो हमारी बिट्टो अभी 3 साल की हो गई है, जुलाई से, 17 जुलाई को 3 साल की हो गई थी। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ, और हमारी फैमिली सब ठीक है। और मैं अभी चाय बना रही थी, गैस के पास ही बैठी हूँ, और मुझे अभी खाना भी बनाना है। तो मैं अभी बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते, और चाय तो पक रही है, तो आप लोग भी पी लीजिएगा, चाय हमारी पक जाए। तो चलिए बनाते हैं लौकी के कोफ्ते और चाय, नाश्ता। तो दोस्तों चलिए बनाते हैं खाना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट पीस लिया है। इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाली थी 4, और लहसुन और अदरक और प्याज है। और इसे मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। और यहाँ पर देखिए, मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया था, और बेसन भी मिला लिया है। और अब मैं इसमें हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला, नमक डालूँगी। तो देख सकते हैं, और इसे मैंने अच्छे से हाथ धुल के मिक्स किया है। और उसी हाथ से मैं अभी मसाले डालकर फिर से मिला लूँगी इसे अच्छे से। तो ये देखिए, मैंने इसे मिला लिया। और यहाँ पर चाय बना ली थी मैंने। तो यहाँ पर मैं चिप्स तल रही हूँ, ये दुकान वाली चिप्स हैं, और कुछ टूटी टूटी भी हैं, रखी थी तो टूट गई थी। तो ये देख सकते हैं आप, तो मैं यहाँ निकाल रही हूँ। बच्चों का खाने का मन था तो मैं यहाँ पर निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए, अब मैं हम लोगों ने चाय पी ली है, अब मैं निकाल रही हूँ पकौड़ियाँ, कोफ्ते। तो ये देख सकते हैं, मैंने कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए। गरम थी पर हम लोग चाय पीने लगे तो ठंडी हो गई, तेल वैसे ही उसमें डला था। और ये देख सकते हैं आप, तो मैं अब यहाँ पर कोफ्ते निकाल रही हूँ, पकौड़ी। तो इसे मैं छोटे छोटे से ही निकालूँगी, मैं ज़्यादा बड़े पकौड़ी नहीं निकालती हूँ कोफ्ते बनाने के लिए। और मीडियम साइज, धीमी आँच में ही पकाऊँगी, ताकि ये अच्छे से पक जाएँ, अंदर से कच्ची ना रहें। तो ये देख सकते हैं आप, मैं इन्हें अच्छे से तल लूँगी, और इन्हें मैं पलट दूँगी, ऐसे पलट पलट के तल लूँगी। तो इसमें अगर मतलब लौकी के कोफ्ते ऐसे बनाओ, तो पकौड़ियों में मिर्ची और गरम मसाला, नमक और हल्दी डाल दो, तो मतलब आप चाय के साथ में भी खा सकते हो। तो मेरे बच्चे तो खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बनाया करती हूँ। तो कुछ हम लोगों ने चाय पी थी तो कुछ खा लिए थे, देखिए। और कुछ मैं बना लूँगी, बना के सब्जी के लिए निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं आप, तो मैं इन्हें इसी तरह निकाल लूँगी। एक बार के पकौड़े मेरे पक गए हैं, दूसरी बार डाल रही हूँ। थोड़ी सी गैस में भी बेसन चूक गया है, गिर गया है। तो ये देखिए आप, और यहीं पर मेरे पास बच्चे भी बैठे हैं, तो मैंने इन्हें अच्छे से पलट दिया है। और इन्हें मैं इसी तरह से पकाती हूँ। और यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया था सरसों का, वो गर्म हो गया, तो मैंने इसमें मेथी और हींग डाल दी है। और मेथी हींग भी हमारी चटक गई है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च है, प्याज है, सब है इसी में। तो यहाँ पर प्याज हमारी भुन रही है, इसमें मैं थोड़ा नमक डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए, प्याज हमारी भुन गई है। अब मैं इसमें डाल दिया है मैंने मसाला। तो मसाले में किचन किंग गरम मसाला, हल्दी, मिर्चा, धनिया, बस इतना ही मैं डालती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, पानी डालकर और भून लूँगी मसाले को। वैसे भुन, देखिए, तो मैंने कटोरी को धुल करके डाल दिया है। और इसे मैं अच्छे से भूनूंगी। इसके बाद मैं डालूंगी टमाटर का पेस्ट। तो मैंने एक टमाटर लिया था बड़ा सा, और उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो इसे भी मैं अच्छे से भून लूंगी।
और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, मतलब स्वाद के अनुसार जितना मुझे सब्ज़ी में चाहिए तो उतना ही डाल रही हूँ, ताकि टमाटर भी हमारा अच्छे से पक जाए। तो देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स करके टमाटर हमारा पकने वाली है, ग्रेवी बनाऊंगी, इतनी ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मसाले हमारे भुन रहे हैं और टमाटर ने देखिए तेल छोड़ दिया है मसालों ने। अब मैं जो मैंने बेसन का वो पकौड़ी निकाली थी, वही बेसन मैंने कटोरे में लगा था, तो मैंने उसी को धुल करके डाल दिया इसी में। अब मैं डालूंगी इसमें पानी भी मैंने डाल दिया है, ये देखिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये देखिए पानी हमारा खोलने लगा, तो मैं इसमें डालूंगी पकौड़े कोफ्ते। तो ये देखिए मैंने कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं, सॉरी हम लोग कभी पकौड़े भी बोल देते हैं, कोफ्ते भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी पक गई है, मैंने इसे ढक करके 5 मिनट तक पका लिया था, तो सब्ज़ी मेरी पक गई है। अब मैं इसे बंद कर दूँगा गैस को, और इसमें मैंने डाल दी कस्तूरी मेथी। मेरे पास धनिया की पत्ती बहुत कम आती है, क्योंकि ख़राब हो जाती है ज़्यादा लाने से, तो उसी टाइम के लिए होती है, तो मैं इसमें कस्तूरी मेथी डाल दी है मैंने। और ये देखिए सब्ज़ी हमारी कितनी बढ़िया से बन करके तैयार हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर अंश पढ़ रहा है और इसे मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि स्कूल तो खुलता नहीं है, तो पढ़ाना ज़रूरी होता है बच्चों को। तो गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। तो देखिए इसे टेबल पढ़ा रहे थे। अंश नमस्ते करो, आज भी आप भी नमस्ते करो। चलिए देखिए मैं इससे ज़रूर मिलना, उससे चाइना मिलना, क्योंकि वो बहुत शर्माता है और ये नहीं शर्माती किसी चीज़ में। देखो इधर देखो, अदर कितना सारा सिंदूर इसने लगा लिया अपने माथे पे, बहुत गंदी लड़की है, इतना सरदानी देखती है। देखो कह रही थी मुझे टीका लगाया है, टीका इसने लगा लिया है ना, दिखा रहे ऐसे देख ले सकते हैं आप। और अंश बैठा है, अंत पास में आ रहा है, ये देख सकते हैं मेरी बेबी। तो मेरे दोनों बच्चे हैं, अंश हमारा 7 साल का, 7 साल में लगा है, और आकृति हमारी 3 साल की पूरी हो गई है, 4वीं में लगी है। तो 2 है मेरे बेबी, बेटे का नाम अंश, बेबी का नाम आकृति, बिटिया का। तो दोस्तों ये देखिए, ये बहुत ज्यादा सच में सतानी देती है। तो दोस्तों अभी रात के 8 बज चुके हैं और मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ आराम से। यहाँ पर देखो लेट गया है, इसने पढ़ाई की थी और इसके बाद लेट गया है, नींद आ रही है, तो मैंने अभी बिस्तर में गद्दा नहीं लगाया है, तो अभी मैं इसमें गद्दा डालूंगी और फिर इसे अभी उस वाली बेड में लेटा दूंगी और इसमें खाते पे फिर मैं गद्दा डालूंगी। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों प्लीज़ मेरा वीडियो 3-4 मिनट तक तो देख ही लिया करिए प्लीज़, और मेरा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, और फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मैंने आज रंग भी लगाया है अपने पैरों में, तो ये देखिए मेरे हाथ में भी रंग लगा है, उंगली में, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए फिर मिलेंगे।